आप सभी ने खीरा तो खाया ही होगा। खीरे के कुछ पतली पतली फांके काट लेते हैं। इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। लगभग आधा चम्मच नमक डालने के बाद हम इन फांकों को 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि खीरों की फांके से पानी निकल आया है और ये फांके लिजलिजी सी हो गई हैं। पहले ये फांके सफेद थीं और अब ये लिजलिजी सी हो गई हैं, आराम से मुड़ जा रही हैं। ये कैसे हुआ? ये पानी कहाँ से आया? पौधों की कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, जिसकी वजह से ये स्फीत रहती हैं। जब हमने खीरे की फांकों को इस पे हमने जब नमक डाला, तो नमक का जो विलयन था वो सांद्र विलयन था और खीरे की फांकों में से जो पानी था वो इस सांद्र विलयन में चला गया, जिससे ये फांके लिजलिजी हो गई। आज हम पौधों की बाह्य त्वचीय छीलन में जीव द्रव्य कुंचन का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक पौधा लेते हैं जिसको ट्रेडिस्कंशिया कहते हैं। इस पौधे का कलर जो है बैंगनी रंग का होता है। इसके अंदर एंथोसाइनिन नामक एक वर्णक उपस्थित होता है जो इसे बैंगनी रंग प्रदान करता है। हम इसकी पत्ती की बाह्य त्वचीय छीलन में देखेंगे कि जीव द्रव्य कुंचन किस तरह होता है। इसके लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। ट्रेडिस्कंशिया की ताजी पत्तियाँ, ड्रॉपर, डिसेक्टिंग नीडल, फॉर्सेप, ब्रश, स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, रेजर ब्लेड और 10% सांद्रता वाला नमक का विलयन या फिर 10% सांद्रता वाला चीनी का विलयन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक साफ स्लाइड लेंगे। स्लाइड को हम किनारों से पकड़ेंगे। इस पे एक दो बूंद पानी की डालते हैं। ट्रेडिस्कंशिया की पत्तियों को हमने पानी में रखा हुआ है ताकि ये ताजी बनी रहें। ट्रेडिस्कंशिया की पत्ती लेते हैं। इसकी बाह्य त्वचा से हम छीलन निकालेंगे। पत्ती को मोड़ते हुए धीरे धीरे हम इसको खींचेंगे, जिससे इसकी बाह्य त्वचीय छीलन जो है निकल आएगी। फॉर्सेप की मदद से इसको निकाल के स्लाइड पे रखेंगे। अब इसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे। कवर स्लिप को किनारों से पकड़ते हुए निडल की सहायता से धीरे धीरे स्लाइड पे रखेंगे, जिससे इसमें वायु के बुलबुले ना आए। इस स्लाइड को हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन में देखेंगे कि हमें पौधों की कोशिकाएं कैसी दिखाई देती हैं। बहुकोशीय सघन विन्यास वाली कोशिकाएं दिखाई पड़ती हैं, जिनमें गुलाबी रंग का जीवद्रव्य भरा हुआ है। अब इसी स्लाइड को हम सूक्ष्मदर्शी से निकालकर कवर स्लिप हटा करके इस पे 10% सांद्रता वाला नमक या चीनी का घोल डालेंगे। 10% सांद्रता वाले नमक या चीनी के विलयन को बनाने के लिए हमें 10 ग्राम नमक या 10 ग्राम चीनी लेकर उसको 100 ml पानी में घोलते हैं। अब इस स्लाइड के ऊपर से कवर स्लिप हटाते हुए कवर स्लिप को सावधानी से हटाएं ताकि पत्ती की जो छीलन है वो मुड़े नहीं, और जो पानी हमने पहले डाला था
उसको ब्लॉटिंग पेपर की मदद से सुखा देते हैं। अब इसमें नमक के विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे। और कवर स्लिप लगा देंगे। अतिरिक्त विलयन को ब्लॉटिंग पेपर की मदद से सुखा दीजिए। लगभग 4-5 मिनट के बाद इस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन में देखेंगे। पहले जो हमने कोशिकाएं देखी थी उनमें जीव द्रव्य फैला हुआ था। अब इसमें जो हम देख रहे हैं कि जीव द्रव्य कोशिका के एक किनारे पे सीमित हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने छीलन को नमक के 10% सांद्र विलयन में रखा तो कोशिकाओं से जल जो है बाहर निकल गया, जिससे जो स्फीत कोशिका थी उसमें जीव द्रव्य कुंचित हो गया और कोशिका के एक कोने में एकत्रित हो गया। जब किसी कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य एक और कुंचित हो जाता है। इसे कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अगर आपकी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो इसके लिए हमें उन बच्चों को इसको छूकर के पत्ती का एहसास करा सकते हैं। और जो माइक्रोस्कोप में हम जो देख रहे हैं उसके हम स्पर्श चित्र बना कर के उन बच्चों को छूकर के इसका एहसास दिला सकते हैं कि जीव द्रव्य पहले कैसा था और परासरण के बाद में कैसा हो गया।